तुम हमारे साथ एक बार जोड़ा तालियों की पीछे तक, कम ऑन, वेलकम जयदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज सिट। एंड नाउ नेक्स्ट परफॉर्मर। दुशासन और दुर्योधन के दुष्कर्मों के लिए मुझे मत कोसो। माना ये सच है कि गुरु अनगढ़ पत्थर को भी तराश सकता है, पर हर पत्थर से भगवान नहीं गढ़े जाते। मेरी विद्या ने सबसे अनोखी जीवित प्रतिमा की रचना की है, और वो रचना है संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। उस सर्वश्रेष्ठ रचना का शिल्पी हूं मैं हूं गुरुश्रेष्ठ आचार्य द्रोण। सुनिए दिलीप दाहिल को गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका में, ओनली ऑन फीवर प्रेजेंट्स महाभारत। जोरदार ताली होनी चाहिए राजा दिलीप की तरह पराक्रमी जबरदस्त अभिनेता दिलीप दाहिल। जोरदार तालियां दिलीप के लिए। एंड नाउ नेक्स्ट। मैंने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। यदि आप इसे युद्ध नीति नहीं मानते तो तब आपकी नीति कहां गई थी? जब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी यही जंघा दिखाई, मैंने तोड़ दी वो जंघा। जो मैंने किया, यदि आप उसे अधर्म समझते हैं तो यही सही। हाँ, मैंने अधर्म किया और टंके की चोट पर किया, क्योंकि सिर्फ मैंने ही द्रौपदी को वचन दिया मैं ऐसा ही हूं। या तो मुझे प्रेम करना आता है या विनाश। राहुल देव को महाबली भीम की भूमिका में, ओनली ऑन फीवर प्रेजेंट्स महाभारत। जी हाँ, देवों के देव राहुल देव इसमें हमारे साथ में हैं। एंड अब कौन कलाकार होगा? अच्छा, मेरी बुद्धि में किसी भी योद्धा के तलवार से अधिक धार है। मेरे पास सिर्फ चौसर का खेल ही नहीं, राज गद्दी का भाग्य भी पलट देते हैं। राजनीति की मेरी और चाल शनि की वक्र दृष्टि से भी अधिक विनाशकारी है। मेरे भीतर तितकती प्रतिशोध की अग्नि बड़े से बड़े राज्य को जलाकर मिट्टी में मिला सकती है। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, भरत वंश का सर्वनाश। मैं हूं कंदराज सुबल पुत्र शुकुनी। शक्ति कपूर जल्द आ रहे हैं शकुनी की भूमिका में फीवर प्रेजेंट्स महाभारत। शक्ति और महाशक्ति का समन्वय, शक्ति कपूर आप सभी के बीच में शकुनी की भूमिका में। जी हां, महाभारत। आज इस सभा में केवल इस पांचाली का वस्त्र हरण नहीं हुआ, बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति की अस्मिता को निर्वस्त्र किया गया है। आज इस सभा में स्त्री को देवी मानकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होने वाले ने उन्हीं हाथों से इस पांचाली को केश से पकड़ने का अपराध किया है। आज इस सभा में स्त्री की गोद में पलकर बड़े होने वाले निर्लज ने
एक दूसरी स्त्री को अपनी जंघा पर बैठाने का घृणा प्रयत्न किया है। ऐसे घृणित पुरुषार्थ को दंड तो अवश्य मिलेगा। मैं पांचाल की अस्मिता द्रौपदी धरती आकाश और पूरे ब्रह्मांड को और उन सभी को जो मेरी विवशता को मूक बने देखते रहे साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि जब तक मैं अपने केश दुशासन के रक्त से धो नहीं लेती मैं तब तक अपने केश नहीं बांधूंगी। सुनी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को द्रौपदी की भूमिका में ओनली ऑन फीवर प्रेजेंट्स महाभारत। जोरदार तालियां शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के लिए, जोरदार तालियां। ऑफ कोर्स नेक्स्ट। मैं भरतवंशी गंगा पुत्र देवव्रत धरती आकाश समस्त ग्रहों नक्षत्रों और दसों दिशाओं को साक्षी मानकर अपने संपूर्ण संचित आत्मबल से प्रतिज्ञा करता हूं कि निषाद पुत्री से अपने पिता शांतनु से विवाह के बाद सदा सत्ता से दूर रहूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। मैं देवव्रत प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे धरती आकाश और सारे नक्षत्र अपने स्थान बदल लें मेरी ये भीष्म प्रतिज्ञा नहीं टलेगी। सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा को भीष्म पितामह की भूमिका में ओनली ऑन फीवर प्रेजेंट्स महाभारत। हिंदुस्तान का एक मात्र सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज गिव हिम हैंड जोरदार तालियां शत्रुघ्न सिन्हा साहब के लिए। जी हां, तालियां बसती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आप सभी को बताना चाहूंगा कि कृष्ण की भूमिका में शान है एंड आकाश की भूमिका में जो सूत्रधार हैं विजयराज वो आज हमारे साथ में यहाँ पर नहीं आ पाए हैं लेकिन लाइव देख रहे हैं पूरा शो को। बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग उनको एंड विवेक ओबेरॉय बस आने ही वाले हैं तो चलिए उनका इंतजार करेंगे हम लोग। लेकिन साथ ही साथ में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, वो होते हैं हमारे सहयोगी। उनमें से मैं कुंती की भूमिका में करुणा वर्मा को एक बार रिकॉग्नाइज, एक बार जोरदार तालियां चाहिए करुणा जी के लिए। अर्जुन की भूमिका में चैतन्य आदिव, विदुर की भूमिका में संजीव एंड ये टीवी इंडस्ट्री के लोग थे लेकिन वॉइस इंडस्ट्री में धृतराष्ट्र की भूमिका में समय ठक्कर, दुशासन राजेश कावा, सत्यवती मेघना, गंगा पूजा पंजाबी। जोड़ा तालियां होती रहनी चाहिए एंड साथ ही साथ में इस पूरे महाभारत को हजारों बार लाखों बार लिखा गया है, पढ़ा गया है, देखा गया है लेकिन लेखनी बहुत कमाल की होती है तो ये लेखनी के लिए इतने सारे अवार्ड धीरे धीरे जीतना शुरू कर देगी। तो मैं सुरेश काला जी के लिए एक बार जोड़ा तालियां चाहूंगा। इन्होंने इस पूरे काला साहब के लिए एक बार जोड़ा तालियां होनी चाहिए। काला साहब खड़े हो जाइए, जरा हाथ हिला दीजिए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर गोल्डी नागदेव जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हरिदर्शन ग्रुप के आप सभी के बीच में यहाँ मौजूद हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शिल्पा शेट्टी जी आज हमारे बीच में, उनका स्वागत पुष्प गुच्छ से करें प्लीज। वेरी लकी डे फॉर मी एंड दो वर्ल्ड्स मोस्ट गॉर्जियस लेडी हैज अकंपनीड मी, शी इज देयर पूजा, आई वुड वांट हर टू जॉइन। आइए पूजा जी।
सर जी, ये महाभारत का अपना एक एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, और इतनी बड़ी जर्नी रही हम लोगों की, आपके लिए कैसा रहा और आपके लिए महाभारत क्या है? मेरे लिए महाभारत बहुत स्पेशल, आज के लिए स्टडी की है। आइए, जोरदार ताली होनी चाहिए। सर जी, यही मौका है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, अरे वाह, ये बात नहीं, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है। नहीं, आप रहिए, फोटो भी आएगी साथ में। नमस्कार सर, वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस महाभारत एपिक विद फीवर एफएम, ए काइंड ऑफ डीटीएच डायरेक्ट टू हार्ट अप्रोच, एंड वी आर हैप्पी टू चूज फीवर एफएम टू प्रमोट अवर ब्रांड। फीवर एफएम लोगो स्लोगन से नंबर वन तो नंबर वन होता है। आई वुड लाइक टू ऐड, आई इससे ज्वाइन करने वाला भी नंबर वन होता है, दैट इज़ पावरटेक्स टूल्स ने भारत के लोगों की पहली पसंद। पावरटेक्स से लाइफ मस्त है, और महाभारत से जुड़ने के बाद लाइफ और भी मस्त हो गई है। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, एंड हमारे बीच में विवेक ओबेरॉय आ चुके हैं, क्या बात, जोरदार ताली होनी चाहिए। लेकिन विवेक ने जो परफॉर्मेंस दिया है, इट वॉज फैंटास्टिक। मतलब मैं रिकॉर्डिंग में था उस समय, मैंने बाद में सुना जब आप चले गए थे। मैं चाहूँगा प्लीज़ एक बार ऑडियो प्ले कीजिए, क्योंकि हमने सबके इंट्रोडक्शन में ऑडियो प्ले किया था, और आपकी एंट्री बिल्कुल भगवान शिव की तरह हुई। जय हो, आदि अनंत हैं। यस, आइए। हाथ की रेखाएं झूठ है, झूठ है, परिस्थितियों का रुदन झूठ है, झूठ है, नाम वर्ण और जाति झूठ है, झूठ है, यदि कुछ सत्य है तो वो है इच्छा शक्ति। यदि इच्छा शक्ति हो तो अपनी हाथ की रेखाएं स्वयं बनाई जा सकती है। यदि इच्छा शक्ति हो तो किसी भी परिस्थिति को मोड़ा जा सकता है। यदि इच्छा शक्ति हो तो नाम वर्ण और जाति जैसे ढकोसलों को झुटलाया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं सूत पुत्र कर्ण अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प के बल पर इस संसार का सबसे बड़ा योद्धा बन सकता हूं, तो इस संसार में कोई भी कुछ भी कर सकता है। सुनिए विवेक ओबेरॉय को अंगराज कर्ण की भूमिका में, ओनली ऑन फीवर प्रेजेंट्स महाभारत। जोरदार ताली चाहिए विवेक के लिए। कैसे कर लेते हो ठाकुर, कमाल कर दिया यार, कमाल है मतलब भाई। अरे आज मेरी टारगेट बन गया यार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्टेशन हेड वेस्ट बिजनेस हेड सौरभ मिश्रा को प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार ताली स्वागत होना चाहिए, पुष्प गुच्छ के द्वारा, वाह, उनका स्वागत किया जाएगा। सौरभ जी आइए सर, सौरभ जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्या बात। क्या बात विवेक, ये हमारे माई बाप लोग हैं, ये मालिक टाइप का आदमी है, यही चाहेंगे। हाँ बस बस समझ गया, रिकॉर्डेड है, ये मालिक टाइप का आदमी है। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोला यार। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कार्ती नारायण, जिसे हमने कहा था कि नेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग हेड हैं, कार्ती प्लीज शक्ति कपूर साहब का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए भाई, जितने मालिक टाइप के लोग हैं प्लीज आप लोग तालियां बजाते रहें। ओहो, मैं सौरभ मिश्रा जी को फिर से एक बार आमंत्रित करूंगा राहुल देव जी के स्वागत के लिए। सौरभ मिश्रा जी, नेशनल प्रोग्रामिंग डायरेक्टर, इस समय हमारे साथ में गौरव शर्मा मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि दिलीप ताहिल साहब का स्वागत करें, बाजू में ही है। हेलो हेलो, मतलब हॉट हो गया आज पुष्प कुछ ना। अरे दिलीप ताहिल का जन्मदिन है तो दिलीप ताहिल, जोरदार तालियां। थैंक यू एवरीवन, ओके एवरीवन, बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ripji. Happy birthday to you. दिलीप जी, आपको मालूम नहीं है कोऑर्डिनेट करते करते कितनी मेहनत लगी है। और ये एक पहले कलाकार है हिंदुस्तान के, जो पिछले हफ्ते शूटिंग कर रहे थे, इनको कोई सीक्वेंस ऐसा करना था तो इन्होंने लिखवा के वो सीक्वेंस किया, और सीक्वेंस बहुत शराफत का था, बलात्कार का, रेप का। तो ये पहले एक्टर है जिन्होंने राइटिंग में सब कुछ लिया, होने के बाद उसका वीडियो किया और उसके बाद शांतिपूर्वक रात को सोए और कहीं से कोई फोन नहीं आया। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दिलीप जी, नसीब समझिए कि शक्ति कपूर साहब ने अपने करियर में ये काम नहीं किया, वरना दो फ्लैट और खरीदने पड़ते, वो जगह होती जहाँ पे ये सब कागज़ पड़े होते और कम से कम 10-12 टीवी बीवी क्या बोलते हैं, टीवी होती ना वो, अरे नहीं जीबी टीवी जितनी भी होती हैं वो सब भर जाती, इतना आपको वीडियो लेना पड़ता सर। एंड रवि आर्या इस समय हमारे साथ में मौजूद है, नेशनल मार्केटिंग हेड, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए रवि के लिए, जयती भाटिया का स्वागत करेंगे। जैसे कि आपको जानकारी है कि आज का ये जो महा आयोजन हो रहा है ये महाभारत की सफलता के लिए है, पिछले एक महीने से रेडियो के इतिहास में नंबर वन शो, इसलिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ये लिसनर की मतलब तारीफ करूं या प्रशंसा करूं या इन तमाम लोगों की तारीफ करूं जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया है फीवर 104 FM को, और आज वाकई बहुत ही बड़ा दिन है, तो मैं चाहूंगा कि सक्सेस कार्ड तो बनता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो कार्ड ले जाए जिसमें सभी लोग शामिल हैं और इन सब का सहयोग, और उससे ज़्यादा ये देखने वाले सुनने वाले जो इस समय हमारे सामने मौजूद हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि आप लोगों के कारण आज महाभारत संपूर्णतः पूरी तरह से सफल हो चुका है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस पूरी टीम के लिए। थैंक यू, थैंक यू, इतने प्यार के लिए, इतने स्नेह के लिए, इतने सम्मान के लिए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दिलीप जी आपको मालूम नहीं है आपका बर्थडे और इसको जोड़ते हुए कितना वक्त लग गया, सिर्फ शक्ति जी ने बताया, सजेशन दिया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, तो इसे पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहिए शक्ति जी का जी हमें तो चलिए जी, ये तो खैर सक्सेस की शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे हम लोगों काम करने हैं और ये पूरी टीम हमारे साथ में जुड़ी हुई है फीवर के साथ में, लेकिन इस समय हमारे साथ में गौरव मौजूद हैं। गौरव कॉफी जी, गौरव रेडियो के इतिहास में महाभारत, ये मी टू का जमाना है। अच्छा, तो किसी के बारे में कहना कि पुराना एसोसिएशन है। ओ अच्छा, जरा सोच समझ के। मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूं, रामायण जब हुई थी तब मैंने राम की भूमिका की थी, इन्होंने मेरी माँ की भूमिका की थी। महाभारत में मैं दुर्योधन की भूमिका करूँ, ये मेरी माँ की भूमिका कर रही है। अब क्लियर है? एकदम क्लियर है। भूमिका से कुछ अच्छा। और जी
दलीप जी, थिएटर मैंने इनके कुछ प्लेस देखे हैं, और वो बुलंद आवाज़, वो कमांड जो है एक आवाज़ में, जो गुरु द्रोण के कैरेक्टर के लिए चाहिए था, मैंने सीधा गौरव को बोला, मैंने गौरव प्लीज़ दलीप जी से कांटेक्ट करें और आई वांट हिम टू प्ले दिस कैरेक्टर। और मैं बड़े उसके साथ इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ बैठ के, दिस स्टारकास्ट विच इज़ सिटिंग हियर इज़ माई फर्स्ट चॉइस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि इन्होंने, हमने इनको अप्रोच किया, उन्होंने पहली बार हाँ कर दिया, एंड हिज महाभारत एंड द महाकास्ट फॉर यू। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए शुमंतो के लिए, एंड शुमंतो के लिए स्पेशली एक बार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्ले बनाना बहुत टफ होता है, मतलब कितने घंटों की, कितने दिनों की मेहनत, आप सोच नहीं सकते, नॉन स्टॉप एक महीने हो गए, ये लोग ना खाए ना पिए, अच्छे से ना सोए हैं, इसलिए एक बार जोरदार ताली चाहिए शुमंतो और उनकी पूरी टीम के लिए। मैं एक्चुअली यहाँ पर कोने कोने में, मैं एक्चुअली मैं अपनी टीम का नाम जरूर लेना प्लीज दीजिए यहाँ पे, माय एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दीपिका फोमन, जोरदार तालियां दीपिका के लिए यहाँ पे भी हैं आप। ये जो साउंड आप सुन रहे हैं, डिजाइनिंग ऑफ द होल साउंड, रात रात बैठ के सौरभ भुंजाल, माय साउंड डिजाइनर सौरभ, हु इज राइट नाउ बिहाइंड द कंसोल, सागर इज माय एडिटर, रुंशुन एंड रुंशुन आई थिंक शी इज समवेयर हियर ओनली, तनुषिता, दे आर माय असिस्टेंट डायरेक्टर्स, सबसे ज्यादा डांट इनको पड़ती है लेकिन बहुत मेहनती बच्चे हैं ये, एंड दे हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन द होल प्रोजेक्ट, सो द क्रेडिट गोज टू देम। वो तो सर पहले ही, मैं तो खड़ा होके सम्मान के साथ पहले ही खड़े होके, काला साहब, सुरेश काला जी, काला जी खड़े हो जाओ फिर से एक बार, बहुत छुपते हो। मेरा हर एपिक यही लिखते हैं, रामायण से लेकर महाभारत तक यही लिखते आए हैं। इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है केकई करके, कभी मौका मिले तो आप देखिएगा, तो बड़े जबरदस्त राइटर हैं और ये एसोसिएशन बना रहे हमारा। देखिए, हाँ जी बोलिए, नहीं मैडम बोल रही है। अच्छा हाँ, ये चीज़ ये बताएंगे एक राज, ये और ये महाभारत जो बनाया गया है ये सिर्फ एक ही कारण से, क्यों, ताकि गौरव जी युधिष्ठिर प्ले कर सके, अ बिग हैंड फॉर हिम आल्सो प्लीज। इस समय हमारे साथ में पूरी स्टारकास्ट मौजूद है, तो शुरुआत इष्ट परम पूजनीय आदरणीय से शुरुआत की जाए। शत्रु जी, भीष्म पितामह, एक ऐसा चरित्र जिसकी उस जमाने में भी जरूरत थी, आज की तारीख में भी राजनीति में जरूरत है, तो भीष्म पितामह एक अपने आप में संपूर्ण चरित्र, अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा और इच्छा मृत्यु थी उनके पास, जब तक वो मरना नहीं चाहते थे मरते, ये रोल कितना महत्वपूर्ण है और इस महाभारत में कितना महत्व रखता है। मैं जरा अनुराग, आपको धन्यवाद देते हुए, पहले तो मैं जितने स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं और ख़ासकर कलाकार और हमारे मित्र और इसके मुखिया गौरव जी को, यहाँ पे राहुल बैठे हैं उनको, बहुत बढ़िया कलाकार हैं, यहाँ पे हमारे मित्र सहयोगी दिलीप ताहिल बैठे हैं उनको, हमारे छोटे भाई परिवार के अभिन्न अंग विवेक ओबरॉय उनको, हमारी नायिका, हमारी बहुत अच्छी, ज़माना ख़राब है ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ लेकिन हाँ फिर भी बहुत अच्छी नायिका, बहुत अच्छे कलाकार, और इसने बहुत सुंदर काम किया, हमेशा करती हैं, इसमें भी बहुत सुंदर काम किया, ऐसी हमारी शिल्पा शेट्टी, और जो एक ज़माने में बहुत हार्मफुल थे, भाई इन दिनों टोटली हार्मलेस हो चुके हैं, और कुछ मीटू का कमाल है, और साथ ही साथ इनकी बेटी जो हैं, जो आज नाम रोशन कर रही हैं, श्रद्धा कपूर, उनका भी कमाल है कि उसकी वजह से इनके बहुत ज़बरदस्त अंकुश पड़ गया है, ऐसे हमारे अभिन्न अंग जो हैं हमारे फिल्म उद्योग के भी और हमारे परिवार के भी, शक्ति कपूर जी, साथ में बैठी हुई जयती जी, जयती जी के साथ सीमांतो जी हैं, तमाम सम्मानित मंच और तमाम आप लोग जो आए हैं, उन तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और साथ ही साथ आपके अनुराग जी, आपने जो हमसे पूछा है महाभारत में, जो आपने कहा कि आज की राजनीति में वैसे लोगों की ज़रूरत है लेकिन ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, ये है ना, जो आप हैं ना, मिल कोशिश उस राह पे, मेरी तुलना नहीं हो सकती है, ख़ासकर भीष्म पितामह से, देवव्रत से, गंगा पुत्र से,
मेरी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं उस राह पे चलने की, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। उसी कोशिश में, कोशिश की प्रक्रिया में हम सब इकट्ठा हुए। लेकिन महाभारत, महाभारत पे पहले कह दूं कि महाभारत जैसा आज शब्द का इस्तेमाल करो, दुर्लभ, रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एपिक, ऐसा जो है कि क्या नहीं है इसमें, ज्ञान है, गुण है, कमिटमेंट है, मार्गदर्शन है, जीवन शैली का परिचय है इसके अंदर, वो डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, ड्रामा है, पैशन है, ऐसा तो शायद बिरले ही विश्व में शायद ही कोई महाकाव्य मिलेगा जैसा महाभारत है। हमारे यहाँ ये दोनों जो महाकाव्य हैं, या तो रामायण या महाभारत, दोनों मैं सही मानों में कह सकता हूँ आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें ये कैरेक्टर भीष्म पितामह का, जो मैन ऑफ स्टील, जो प्रतिज्ञा करता है तो हस्तिनापुर में जाकर, यानी सेवा का, सेवा भावना के साथ सत्ता से दूर रह के, और ये बात को मानते हुए जो आज मानना चाहिए, लोग मानते नहीं आज की राजनीति में, कि सत्ता सेवा का माध्यम है, सत्ता सेवा का माध्यम होना चाहिए। आजकल सत्ता मेवा का माध्यम है हमारी राजनीति में, लोग सत्ता के जरिए कमाने के सोचते हैं, वहाँ सब कुछ गंवा कर सत्ता के जरिए सेवा करने की भावना और संकल्प लेकर, जैसे हमारे भीष्म पितामह सामने आया, देवव्रत, गंगा पुत्र, वो मैं समझता हूँ अविस्मरणीय है, और सही मायनों में बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। तालियां, तालियां। थैंक यू। नेक्स्ट शत्रु जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आपके हिंदी शब्द वाक्यांशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कि ऐसे हिंदी बहुत कम मिलते हैं। एंड अरे मुझे भी तो मौका मिल रहा है ना यार बोलने, शत्रु जी अनुराग आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू भैया। बस इसी सुनने के लिए तो आज का शो करने आया हूं मैं, रेडियो शो छोड़ के तुरंत यहीं पे आया मैं। हमारे साथ में शिल्पा शेट्टी जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। द्रौपदी का द्रौपदी का कैरेक्टर अपने आप में बहुत ही यूनिक है, और आज भी लोग उसको आदर्श मानते हैं हिंदुस्तानी परिवेश में। और लोग कहते हैं कि अगर वुमेन राइट्स की बात करें, उनके अधिकार की बात करें, तो पहली महिला थी जिसने महाभारत में खड़े हुए उसने वाला कि मैं द्रौपदी हूँ। ये चरित्र अपने आप में बहुत ही यूनिक है, तो इसके बारे में कुछ और बताइए। सर्वप्रथम सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए महाभारत करते करते ना मेरी हिंदी थोड़ी सी क्लिष्ट हो गई है। वाह, तो ये एक एडवांटेज रहा मेरे आपकी लिए। चेष्टा सराहनीय है। हाँ बस कोशिश ही जारी है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आई थिंक उसी वजह से मैंने हाँ कहा इस भूमिका को करने के लिए, और मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत ही मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि जितने भी दिग्गज यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत ही आसान है शायद इस लैंग्वेज को अपना बनाना, लेकिन मेरे लिए इट वाज रियली अ लर्निंग कर्व। और लकीली मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैं माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, और मेरा बच्चा है जिसको मैं बैठ के कहानियाँ सुनाती हूँ रामायण की, महाभारत की, तो मैं चाहती थी कि मैं इस शो के ज़रिए उसे एक माइथोलॉजी को इंट्रोड्यूस करूं, और आई एम रियली हैप्पी दैट आई वाज एबल टू प्ले दिस कैरेक्टर। द्रौपदी का जो किरदार था बहुत ही मुश्किल, बहुत ही, जैसे आपने कहा, शी वाज नॉट जस्ट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और वो क्या है, आई थिंक वो एक शी केम विथ समथिंग टू डू, शी केम विथ अ जॉब ऑलरेडी, तो वो पैदा नहीं हुई थी, वो अग्निपुत्री थी, तो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, तो फॉर हर शी केम टू काइंड ऑफ गिव बैक टू हर फादर, और उस बदले की भावना को जो है वो कृष्ण ने देखा और उसे कन्वर्ट कर दिया टू फाइट हिज वॉर, तो एक नए युग को जन्म देने के लिए आई थॉट शी प्लेड अ वेरी वेरी पिविटल कैरेक्टर। तो हर स्ट्रेंथ वॉज समथिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी युग में किसी भी औरत के साथ जिस किस्म का शोषण उन्होंने सहा, मैं द्रौपदी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शी वॉज एबल टू नॉट जस्ट कम आउट ऑफ इट बट शी बिकेम स्ट्रॉन्गर,
And she used that pain and she used it as a strength to fight the war. So I felt that us strength ko define karna bahut mushkil hai. And yeah, so I just think it's a character that was once in a lifetime. And maine bahut sare kirdar play kiye apni zindagi mein, lekin to be able to lend my voice to a mythological character and with all these amazing actors was just amazing. Thank you. Kya baat. Bahut badhiya. Hamare saath mein Vivek Oberoi ji, ek baar zordaar taaliyan hi chahiye. Vivek Karan, aapko bata dun ki radio mein interviews karta hu main, to hum log Mahabharat ki baat karte hain. Bahut sare superstars radio mein aate hain. Maine takriban 20 ya 25 logon se pucha hai कि आप कौन सी भूमिका निभाना चाहेंगे. उसमें से 25 में से भाई साहब 18 व्यक्तियों ने कहा है कि वो कर्ण बनना चाहते हैं. तो कैसा महसूस कर रहे हैं कर्ण की भूमिका में? सर्वप्रथम तो मंच पर प्रस्तुत सभी महानुभावों को और मित्रों को, दोस्तों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको प्रणाम. मीडिया के सारे मित्रों को प्रणाम और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे श्रोताओं को प्रणाम और उनसे भी इम्पोर्टेंट पिक्चर पांडे जी को प्रणाम. थैंक यू, थैंक यू. आप वहाँ नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते. यार बात तो सही है आपकी. मैं जब सभी किरदारों को देखता हूँ, जब मुझे पूछा भी गया, क्योंकि मैं शायद इस प्रोजेक्ट से काफ़ी अर्ली स्टेजेस में जुड़ा, तो मुझे पूछा गया तो मैंने कहा यार मैं कर्ण प्ले करना चाहूँगा. और उसका रीज़न ये है कि शायद जब मैं छोटा था तो एक फैसिनेशन कृष्ण की ओर था, अर्जुन की ओर था. लेकिन पिछले 15-20 सालों में जो मैंने हिंदुस्तान के ग्रामीण विभागों में यात्राएं की हैं, अपने सामाजिक कार्यों को लेकर, कहीं स्कूल का निर्माण करना, कहीं जो गांव जैसे सुनामी में जो गांव बर्बाद हो गए थे तो उनका पुनर्निर्माण करना, तो वो सारे जो अनुभव मैंने एक्सपीरियंस किए, वहाँ से मुझे ऐसे लगने लगा कि जो कर्ण का किरदार है ये आज भी ज़िंदा है. बिल्कुल. और आप देखें हमारे दलित समाज में वो ज़िंदा है, आप देखें हमारे एससी एसटी एनटी समाज में, आदिवासियों में आज भी वो कर्ण ज़िंदा है. मेरिट के बेसिस पे उन्हें जो उभर के आना है आगे, वो होता नहीं है. अब भी हमारे यहाँ सिर्फ इंडस्ट्री के लोग इंडस्ट्री पर लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन नेपोटिज्म हर जगह है. पॉलिटिक्स में है, फिल्म में है, कॉरपोरेट दुनिया में है. वो जो मेरिट पे कर्ण को आगे आना चाहिए था, जो उसे नहीं आने दिया गया सूतपुत्र कहकर, वो कहीं ना कहीं आज भी इस देश का एक नैरेटिव है और उसे बदलना बहुत ज़रूरी है. वो याद दिलाना लोगों को बहुत ज़रूरी है. और उसी के अंदर एक और बहुत सुंदर बात है. मैं अक्सर ऐसी जगहों में जाता हूँ जहाँ पर खुद लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये एक ही देश है पूरे विश्व में जहाँ घर पे खाने को एक निवाला नहीं है, लेकिन आपको अंदर आमंत्रित कहेंगे और उस निवाले को भी वो आपके साथ बांट के खाएंगे. क्या बात है, बहुत बड़ी. ये हमारे संस्कार है, संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है. और उस संस्कार का प्रतीक है दानवीर कर्ण. क्या बात है, बहुत बढ़िया. हजारों साल हो गए, सदियां बीत गई, लोग महाभारत के युद्ध को याद करते हैं, लेकिन कर्ण का जब नाम लिया जाता है तो पहली और पहली आखिरी और आखिरी बात यही होती है कि दानवीर कर्ण. क्या बात, बहुत बढ़िया विवेक. क्या डिस्क्राइब किया आपने कर्ण को, बहुत खूब. इसीलिए और इस समय हमारे साथ में शक्ति कपूर साहब मौजूद हैं. शक्ति जी माइक्रोफोन लेके बिल्कुल तैयार हैं. शकुनी के साथ नाइंसाफी हुई थी, इस कारण से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि चाहे कुछ भी हो ये तो वो युद्ध जीतेंगे ही हर हाल में. तो आपको क्या लगता है कि जो शकुनी थे वो वाइट थे, ब्लैक थे, ग्रे थे, क्या करेक्टर था उनका, चरित्र था? क्योंकि हर इंसान अपने अपने करेक्टर को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है क्योंकि आप काम कर चुके हैं. तो शकुनी आपके हिसाब से कौन है? सबसे पहले जब मेरे पास ये महाभारत लेकर आए, उससे पहले मैं गौरव जी मेरे पास आए थे एक दूसरे शो के लिए जिसका नाम है क्राइम मास्टर गोगो शो. बड़ा इंटरेस्टिंग शो. मैंने हाँ बोली, शो शुरू हुआ. हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी कलाकार बंबई के रेडियो पे शो करते हैं, अच्छे शो करते हैं, बहुत अच्छे शो करते हैं, लेकिन मेरे लिए रेडियो पे शो करना थोड़ा सा सोच का मामला था. पर गौरव साहब ने बोला नहीं, ये शो का नाम भी रखा है क्राइम मास्टर गोगो. तो वो शो हमारा शुरू हुआ रेडियो पे
बड़ा मुश्किल शो था मेरे लिए, क्योंकि मुझे कलाकारों की जिंदगियों के बारे में रेडियो पे बताना था। पर आहिस्ता आहिस्ता वो शो शुरू हुआ। जो दूसरे रेडियो पे शो थे, आप लोग आश्चर्य होंगे, आहिस्ता ये हमारा शो क्राइम मास्टर को आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और रेडियो नशा पे बहुत जल्द ये शो क्राइम मास्टर गोगो जो शक्ति कपूर का था, गौरव का जो कॉन्फिडेंस की वजह से ये शो नंबर वन पे आ गया। तालियां 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 तालियां। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि हाँ, मैं रेडियो पे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों की हिस्ट्री पे रिसर्च की और उनके बारे में मैंने प्रोग्राम किए। सबसे ज़्यादा मैं बहुत आश्चर्य और बहुत खुश था जब मेरे को मेरे सीनियर शत्रुजी साहब की ज़िंदगी के बारे में मैंने रिसर्च की, औरों के एपिसोड एक थे या दो थे या तीन थे। सबसे ज़्यादा एपिसोड मैं बहुत खुशकिस्मत था कि शत्रुजी की ज़िंदगी के बारे में मैं बोल सका। और सबसे बड़े फॉलोइंग जो हमारे रेडियो पे हुई है, शत्रुजी के शो पे हुई है, इनके एपिसोड्स पे हुई है। और ये हमारे सीनियर हैं इंस्टीट्यूट के, महान इंसान हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत मुश्किल आते आई, मैं बहुत समस्याओं में फंसा हूँ, वो तो सारी दुनिया जानती है कि मैं फंसता रहा। पर मैं मेजरली फंसा, मुझे ज़िंदगी के अंदर उन प्रॉब्लम से निकालने वाला एक ही इंसान था, उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये छोटी मोटी समस्याएं नहीं थी, एक ह्यूमन ग्राउंड की समस्याएं थी, जहाँ एक इंसान को कोई और दूसरा इंसान चीट कर रहा है, लेकिन उसको सही समझाना शत्रु साहब का काम था जो उन्होंने समझाया। हाँ, इसमें पैसा आया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। अब रहा सवाल इसका, जो ये महाभारत, ये हमारे अजीज हमारे पास आए, बोले कि एक कैरेक्टर है, मुझे आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए। मैंने कहा, भैया मेरे को महाभारत के बारे में, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं महाभारत के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उतना इल्म है मेरे में जितना मैं बड़ा होता, मैंने पढ़ा नहीं है, पर जानता हूँ कि महाभारत, जैसे बोला शत्रु जी ने कि महाभारत और रामायण, रामायण एक ऐसी चीज़ है, एक कमाल, एक मतलब पवित्र है कि शत्रु जी ने अपने घर का नाम भी रखा है रामायण। मेरे ख्याल से तालियां बज सकती हैं। आजकल हमारे बच्चों को मालूम नहीं है वैसे कि क्या है ये, कितने बच्चों को नहीं मालूम है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि ये जो महाभारत रेडियो पे आया है, मुझे इन्होंने बोला कि हम रेडियो पे चलाएंगे, आपकी आवाज़ें जनता को समझ में आएंगी। मैं क्या बात कर रहा हूँ, 10 तो शक्ति कपूर हैं जो अब मेरी आवाज़ें इमिटेट करते हैं, उनको ले लो, और शत्रु जी को तो 200 हैं, खामोश बोलेंगे शत्रु जी आगे। हाँ, फिर ये बोले नहीं, विवेक ओबरॉय है, उसकी आवाज़ जो नेचुरल है शत्रु जी की। मैंने कहा, शत्रु जी हैं? बोले हैं। मैं कहा, अगर वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ, अगर वो हैं तो मैं हूँ। बोले शिल्पा जी, अगर मैं कहा शिल्पा जी नहीं है तो मैं नहीं हूँ। तो मैंने शत्रु जी को फ़ोन लगाया, बोले हाँ बचे मैं हूँ। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि शत्रुघ्न सिन्हा जो हमारे हिंदुस्तान के इतने बड़े कलाकार हैं, अगर वो रेडियो पर आ सकते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगा, कसम से बोल रहा हूँ, दिल से। शिल्पा जी, हमने बहुत काम किया शिल्पा जी। मैंने कहा, शिल्पा जी इतनी शुद्ध हिंदी, ये अंग्रेजी बोलते बोलते थकती नहीं है, हिंदी कैसे बोलेंगी? शिल्पा शेट्टी, ये मेहनती बहुत है। एक फिल्म के अंदर, जिस फिल्म में मैं नहीं था, एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि शक्तिदा, ये कैरेक्टर में मुझे थोड़ा सा कुछ समझा सकते हैं तो समझाइए, आप तो बहुत एक्सपीरियंस हैं। मैंने कहा, मैंने जो कैरेक्टर किए हैं वो ऐसा अच्छे कैरेक्टर नहीं है। तो बोले नहीं, फिर भी तो मतलब शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। तो मैंने कहा, मैं क्यों नहीं। तो ये अभी मुझसे पूछ रहे थे कि शुकनी का कैरेक्टर, तो मैंने जब इनसे बात हो रही थी, फिर विवेक ओबरॉय, 3rd September, हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, एक राम था एक रावण था, वो दूसरी बात है। अभी September 3rd ये भी है, मैं भी हूँ। तो जब ये इतनी अच्छी अच्छी बात है, मैं कहा विवेक ओबरॉय ये भी इतना कुछ बोल रहा है यार, इतनी शुद्ध हिंदी। मैं बचपन में देखा, मतलब इनको बचपन में, इनके तो लंबे लंबे बाल थे, ऐसा लगा बड़ा मॉडर्न है ये, अचानक अचानक शुद्ध हिंदी, गाँव खेड़े में गुड वर्क। गुड वर्क तो
सितंबर 3 के सभी करते, मैंने जल्दी क्या बात है, क्या बात हाँ, अभी इनका सबको मालूम है, मेरा सबको नहीं मालूम है क्योंकि मैं बोलता नहीं, अच्छा काम करो डालो अंदर, है ना, तो मैं बोलता नहीं हूँ और करता भी नहीं हूँ वैसे हम पाप, ठीक है। तो मैंने वाइफ को मैसेज किया, मैंने कहा शुकनी कौन था भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी शिवांगी वो बहुत पूजा पाठ वाली हैं और महाभारत भी जानती हैं, रामायण भी जानती हैं, तो उनका मैसेज आया पढ़ देता हूँ, शुकनी कौन था और मैंने क्यों किया, इट्स अकॉर्डिंग टू माई वाइफ, शी सेड ओके डू इट, देन आई डिड इट। शुकनी मामा इज अ वेरी रिविटिंग एंड कलरफुल पर्सनैलिटी, द शेड्स एंड लेयर्स टू हिज पर्सोना आर फन टू एक्सप्लोर, समझ गया ना, इंग्लिश आती है ना, इतनी शुद्ध हिंदी बोली है लोगों के साथ अंग्रेजी भूल गई हो तो मैं बोल रहा था फन टू एक्सप्लोर, डिसेप्टिव येट फनी, मैग्नमस येट येट मैग्नमस येट, ये क्या है, अरे ये क्या है इंग्लिश में, मैग्नानिमस येट नार्सिसिस्ट, हां आगे एट द सरफेस बट अ स्टोरी अंडरनीथ, हां एंड शी सेड यू मस्ट से दिस, आई हैड फन प्लेइंग दिस रोल, और मैंने कहा और क्या बोलूं, बोलो और कुछ नहीं, तो मैंने कहा शुद्ध हिंदी मुझे भी आती है, तरनी तनु तत्माल तरव बछाए, मसी का छू नहीं कलम कहीं ना हाथ, लाली मेरे लाल की जिद क्यों लाल, माया तेरे तीन नाम, पड़सी पड़सा परस राम, वाह 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 शक्ति जी, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, कमाल कर दिया है ना, वैसे सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है मैं कितना शरीफ आदमी हूं, बट मैं आज मुझे मौका मिला है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं मजाक कि पहली मर्तबा जिंदगी के अंदर रेडियो शो के अंदर रेडियो को इनके चैनल को हम सबको खुशी इस बात की है कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा हिट है, गली गली में, गांव गांव में, शहर में, यहाँ तक कि आज की जो जनरेशन है जिनको कुछ मालूम नहीं है, इस प्रोग्राम के जरिए आज उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है कि महाभारत में कौन कौन क्या था, क्या बात। शुकनी एक ऐसा कलाकार है, एक ऐसा एक्टर है जिसकी टांग एक लंगड़ी थी, जब मैं डबिंग भी करता था, रिकॉर्डिंग भी करता था, तो मैं ऐसे करता था मामा, तो वो इफेक्ट आता था ना रेडियो में, समझ गया ना, आपको देख तो रहा नहीं है आपको, अब गले से क्या क्या आदमी करेगा मेहनत, तो मैं बोलता था हाँ हाँ जी हाँ जी, कसम से ऐसे पूरा किया, तभी बोले कि बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा है, हाँ हाँ। ये दूसरी बात है कि हिंदी बोलते बोलते मैं मर गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, मतलब आधी आधी रात को मैं हिंदी का वर्ड याद नहीं आता था, वो मैं आधी रात को बोल रहा, मेरी बीबी बोल रही क्या हो गया, पागल हो गया है, मैं कह नहीं महाभारत लोमड़ी सा सोचो, बोले तू हमेशा सोचता है। एनीवे आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एसोसिएटेड विद सच अ ह्यूज शो, शत्रु जी, शिल्पा जी, मतलब ऐसी स्टार कास्ट अगर पिक्चर की हो, राहुल वो दिलीप कहाँ गया है, वो हैप्पी बर्थडे वाला जब से इसने एग्रीमेंट साइन किया है बहुत खामोश हो गया है, बहुत खामोश है। एनीवे मैं उसके बारे में बात नहीं करता, मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि शत्रु जी इस प्रोग्राम में हमें थे और हैं, दाखिल हुए, हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हुआ, शिल्पा जी इस प्रोग्राम में आए, विवेक जी, तो हम जितने छोटे मोटे कलाकार थे हम भी बड़े हो गए, शत्रु जी थैंक यू वेरी मच, शिल्पा जी वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, बस मेरी बीबी बोलती है तुम बहुत बोलते हो, थैंक यू थैंक यू। नहीं पर आज आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने शुरुआत क्यों अंत कर दी इतना जल्दी, शक्ति कपूर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, अरे पीछे तक क्या बात कर रहे हैं आप, जोरदार ताली होनी चाहिए, ऐसा मत कीजिए। एंड वी हैव राहुल देव भीम की भूमिका में, राहुल भीम ऐसा व्यक्ति था जब वहां पर पासे फेंके जा रहे थे उसने विरोध किया था, आपको लगता है कि आज की तारीख में बहुत सारे भीम की जरूरत है जो अन्याय के खिलाफ खड़े हों, न्याय की पैरवी करें, और हर गली हर मोहल्ले में ऐसे होने चाहिए? हेलो एवरीवन, माय सीनियर्स, वंडरफुल टू बी हियर, सो लेट मी ब्रेक द बैरियर ऑफ हिंदी। तो सही कह रहे हैं आप कि होना ही चाहिए, क्योंकि अभी ट्विटर पे देखो या कहीं पे भी देखो, न्यूज़ में देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही शत्रु जी ने मेंशन भी किया था मी टू। तो आई रियली विश कि जो भी कुछ हो रहा है या स्पेशली अगेंस्ट वेमन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं जब छोटा था ना, मुझे एक किताब थी राजगोपालचार्य जी की, तो पता नहीं कैसे मेरे घर में थी, तो शायद माँ ने ला के दी होगी, किसने ला के दी होगी,
अंग्रेजी की वो महाभारत थी, तो मैं पता नहीं क्यों वो दिल्ली का लड़का था, तो जैसे कॉमिक्स पढ़ते थे ना हम लोग, लाइक एक टाइम होता है हर कोई एक सुपर हीरो कॉमिक पढ़ता है, फैंटम मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, तो इस किताब में मुझे यही लगता था कि, और मुझे लगता था कि वो किताब मेरे आयु से काफ़ी आगे थी उस वक्त, मैं जहाँ वो बैटल उनका ख़त्म होता था 18 दिन, वहाँ वो किताब छोड़ दिया करता था, उसके आगे नहीं पढ़ा करता था, क्योंकि उसके बाद मुझे बोरिंग लगता था उस ज़माने में, मतलब मैं 10 या 11 साल का था बिल्कुल, तो वहाँ तक बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। और जो शानदार बात इस में है कथा में, यही है कि हर एक कैरेक्टर का एक महत्व है, मतलब कोई छोटे से छोटा हो, एक इनफैक्ट छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे एक पूरा पूरा पूरी पूरी फिल्म दर्शाई जा सकती है, छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे, वो जो एग्जाइल का पीरियड है उसी में ही इतनी सारी स्टोरीज हैं। तो भीम को लेके ये था मेरा कि अगर आज जैसे कि भीम हो, तो जो एक भरी सभा में उस ज़माने में भाइयों का आदर, सीनियर्स का आदर, वो अगर आवाज़ उठा सकता है उस सभा के अंदर, और आज अगर मतलब आज की दुनिया में ऐसा भीम हो, आवाज़ उठाए भी और करके दिखाए भी, तो मुझे लगता है कि बहुत फास्ट हो जाए, मतलब इंस्टेड ऑफ यू नो 40 साल केस ही चल रहा है, 30 साल केस ही चल रहा है, सब बूढ़े भी हो गए हैं, और जब सज़ा हुई या नहीं हुई तब कोई उसका कुछ यू नो महत्व भी नहीं। तो भीम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सिंपल है, राइचियस है, मतलब वो सिंप्लिसिटी भी है उसमें, मिस्चिवस भी है, राइचियस भी है। उसका जो मेन अच्छा मुझे लगता है वो ये है कि इतना बल होने के बावजूद भी हम्बल है, ह्यूमिलिटी है उस कैरेक्टर में, बहुत बड़ी मतलब बहुत ह्यूमिलिटी है उस कैरेक्टर में बिल्कुल। और फिर वो रूल्स को अपने तरह से तोड़ मरोड़ देता है, जहाँ उसे पता लगे भी जंगे पे मारना है, जंगा पे मारा उसने, मतलब जो कि उस टाइम का एक रूल था कि शायद नहीं करना चाहिए जी, भाई के सामने नहीं बोलना चाहिए सभा के अंदर, वो भी बोला उसने, तो वो अंदर से एक इमोशन और सच पे जाता है ज़्यादा, और जो उसको इम्पल्सिवली जैसा जैसा लगता है वो वैसा वैसा करता है। बहुत बड़ी बात बोली आपने कि इतना हम्बल थे भीम, जबकि इतने ताकतवर थे, बस एक बार उनको गुरु आया था, तो जब गुरु आ गया शत्रु जी, तो वो बहुत मेरी फेवरेट स्टोरी है। जी जी बिल्कुल, बताइए। फेवरेट स्टोरी यही है कि वो वायुपुत्र ये भी हैं, तो रामायण जैसे कि अभी सबने मेंशन किया, 2-3 लोगों ने कि रामायण उसमें वायुपुत्र जी हनुमान, हनुमान जी हैं, और फ़र्क यही था कि उधर वो यू नो वो एक बार वो मोतियों का हार भी है, वो तितर बितर कर देते हैं कि राम नहीं है इसमें, खोल के दिखा भी देते हैं कि राम ही अंदर है, तो उस कैरेक्टर में भी ना बहुत ही सिंप्लिसिटी है जी। तो जब जाने का वक्त आता है तो उन्हें कहा भी जाता है कि भैया आपको यहाँ रहना है क्योंकि मेरे साथ नहीं जा सकते। इस किताब में भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको जाने के लिए मना किया गया है, मगर शाप है उसको, अश्वत्थामा जो है जी जी, अश्वत्थामा को शाप मिलता है इसमें कि वो बच्चों को जला देते हैं वो शिविर के अंदर पांडव समझ के। तो उसमें फिर वो गुरु जहाँ उसका आता है, उछलता है थोड़ा बहुत वहाँ फॉरेस्ट के अंदर, ना तो मतलब ब्लेसिंग भी मिलती है उनको हनुमान जी के बड़े भाई की, मतलब जहाँ उनको पूँछ को भी नहीं हिला सकते ये जी, और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि मैं ध्वज बन के रहूँगा अर्जुन के उस पर, मतलब एक तरीके से आप कहते हैं गूगल मैप्स हम लोग कहते हैं आज जी, तो उस टाइम की उनके चैरिट के गूगल मैप्स थे हनुमान जी, मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ ज़्यादा लड़ाई हो रही है, कहाँ उनकी आवश्यकता है फील्ड में, तो बिल्कुल भीम का गुरूर हनुमान जी ने तोड़ा था। और जी जी, ये कि हर जीवन में एक सीखने वाली बात है कि भीम जैसा बलशाली कोई था ही नहीं, हमारे पूरे अगर देखा जाए तो पूरे इतिहास उठा के देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान ने उसे दर्शा दिया कि देखो हर इंसान का एक बाप होता है। जयती इस समय हमारे साथ में मौजूद, एक बार जयती के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि हमारे रेडियो स्टेशन की बहुत फेवरेट हैं ये, और कोई भी प्ले होता है तो सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है, क्योंकि हर रंग में हर रूप में बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो गांधारी की भूमिका एक ऐसी भूमिका है जो अपने आँखों में पट्टी बांधे रहती है सिर्फ अपने पति के प्यार में, क्योंकि उसका पति अंधा है और वो नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। आपको लगता है कि आज के समाज में भी ऐसा कुछ हो रहा है, लोग देखते हैं ऐसी चीज़ें और अपने आँखों में पट्टी बांध देते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बम्बई आए 21 साल हुए, आज मुझे ना बहुत सार्थक लग रहा है यहाँ आप लोगों के बीच में बैठ के, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली।
हाँ, गांधारी ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली क्योंकि उसे पता नहीं था कि के जो धृतराष्ट्र हैं वो अंधे हैं और उनके साथ उनका विवाह हो रहा है। भाई आकर बताते हैं तो उन्हें पता चलता है, और शायद वो जैसे कहते हैं कि हम अपने पति का अनुकरण करेंगे, एक उस समय हुआ करता था, तो उन्होंने भी अपने पति का अनुकरण करने के लिए आंखों पे पट्टी बांध ली। आज के समाज में मैं ये कहूँगी कि हम जो महाभारत लोगों को सुना रहे हैं उसमें गांधारी का एक नया रूप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर हमेशा ये सुमंतों ने किया है कि कैकेयी को भी उन्होंने एक अलग तरह से प्रस्तुत किया था, उसकी भी जो एंग्स थी, किस तरह, किस लिए वो आई थी दुनिया में, उनका काम किया था, वो उनको किस कर्म के लिए रामायण में उनका किरदार आया था, वो भी एक अलग तरह से प्रस्तुत किया था। वैसे गांधारी का भी यहीं पर है, यहाँ पर ऐसा ही दिखाया जाएगा कि उन्होंने अनुकरण तो किया लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात की ठेस भी थी कि ये कहीं ना कहीं वो गलत अपने आप को मानती थी। दूसरी बात, मैंने एक बहुत खूबसूरत सीन किया, छोटा सा सीन था, जिसमें कुंती और पांडु वापस आते हैं राजभवन में, और वो कुंती के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी आंखें हो, तुम मेरी आंखें बनकर रहोगी, क्योंकि एक एक वुमनहुड, एक जो एक वुमेन फोक का एक साथ रहना, एक स्ट्रेंथ, वो मेरे ख्याल से वो गांधारी और कुंती के बीच में एक बॉन्ड बनता है। मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि गांधारी ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली तो इसीलिए वो लोगों के भीतर झांक सकती थी। क्या बात, बहुत। और इसीलिए वो जो सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, उसके बियॉन्ड वो देख पाती थी क्योंकि वाइब समझती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये किरदार अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, और महाभारत एक ऐसा एपिक है जो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है, हर किसी के। मैंने एक प्ले पढ़ा है, मैं थिएटर करती हूँ, धर्मवीर भारती की एक प्ले है जिसका नाम है अंधा युग। जी बिल्कुल। उसकी शुरुआत द्वारपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में सुनते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, और फाइनली गांधारी पर आता है जहाँ वो कर्स करती है, श्राप देती है कृष्ण को कि तुमने इतनी बड़ी पॉलिटिक्स खेली तो अब तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा तुमने दूसरों के साथ किया। बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि बहुत बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। थैंक यू सो मच। यदि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने इस किरदार को बिल्कुल जीवंत कर दिया, इतने सालों बाद भी अगर आज इसे सुने तो मैं जब रेडियो शो करता हूं तो ये प्ले होता है 1 बजे दोपहर को मेरे शो के बीच में होता है, और मैं इतनी गुणगान करता हूं हर कलाकार की, इतना खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने जो प्रस्तुति दी है वाकई काबिले तारीफ है। मैं कहूँगा भूतो न भविष्यति। शत्रु जी, ये ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, ऐसे किरदार एक साथ निभाना इतने सारे लोगों के बीच में वाकई काबिले तारीफ है। और हमारे बीच में दिलीप ताहिल जी मौजूद, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। द्रोणाचार्य की भूमिका अश्वत्थामा, ये मतलब जैसे कुछ समय पहले राहुल बता रहे थे, अर्जुन का आना बीच में और उनके साथ छल होना, द्रोणाचार्य की भूमिका अगर बात करें तो आप क्या क्या सीख लेते हैं, क्या बोलना चाहेंगे कि उनके साथ वाकई अन्याय हुआ था या उन्होंने अन्याय का साथ दिया था? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे, गौरव जी ने और सुमंत जी ने मुझे बुलाया महाभारत करने के लिए, इतने बढ़िया कलाकारों के साथ जो हमारे मित्र भी हैं, जयति जी, सिन्हा साहब, शिल्पा, विवेक, राहुल और मेरे पुराने और अजीज मित्र शक्ति कपूर को मैं क्या बात, कभी नहीं भूल पाऊंगा। जी जी बिल्कुल। इसलिए मैं आखिर में छोड़ा आपका ना, और आप सबको यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस मीटिंग में आए हैं। आपको भी सर, आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शंस किए हैं। द्रोणाचार्य के बारे में ये उनका जो हम अंग्रेजी में बोलते इसको डायलेमा था कि वो न्याय अन्याय इसमें उसमें उलझे हुए थे कि इनका कोई मानते हैं कि जो उन्होंने किया वो जो सिखाया तो उनकी वजह भी थी, लेकिन यही उसका डायलेमा है, यही मतलब ये जो कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है द्रोणाचार्य का, कि ये कभी समझ में नहीं आता है कि उन्होंने कैसे किया और क्यों किया। हाँ, ये क्यों किया तो मालूम है क्योंकि उन्होंने और उनके साथ अन्याय हुआ, ये भी सही है क्योंकि हुआ था उनके मित्र के साथ। बिल्कुल, जिन्होंने उनको महल से निकाल दिया और पितृ मोह भी था, भूल गए थे। जी बिल्कुल, पितृ मोह भी था अपने बेटे को लेकर भी। हाँ, और ये भी था कि मतलब अर्जुन की जो शिक्षा दी उन्होंने तो, और अपने अपने खुद के अपने बेटे को नहीं दे पाए,
तो ये जो समस्या है ये गुरु लोगों के साथ अक्सर होता है, क्योंकि जब मैं द्रोणाचार्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे महात्मा गांधी भी याद आते हैं, जो पूरी दुनिया के सामने वो महात्मा थे लेकिन अपने घर में अपने परिवार में वो उनको वो सुख नहीं मिला। बिल्कुल। तो ये अक्सर एक डायलेमा होता है। और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर ने हमें गाइड किया इसमें, और आई एम वेरी वेरी आई एम वेरी प्राउड टू हैव प्लेड द्रोणाचार्य। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, मीडिया के लोग हैं, कुछ हमारे परिवार के लोग हैं, एनीवन कोई कुछ पूछना चाहे। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं काले साहब का नाम भूल गया। काले साहब, आपका नाम लिया ना मैंने। काले, खड़े हो जाओ। इन्होंने, और मैं एक बार सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक बार बात और कहना चाहूँगा कि जब हम रेडियो सिलोन सुनते थे बहुत पहले जी, तो वहाँ पर रेडियो प्लेज हुआ करते थे, और बगैर डायरेक्टर के किसी भी किरदार को मतलब प्रेजेंट करना केवल आवाज़ के ज़रिए ये बहुत कठिन बात होती है। और यदि काले साहब और सुमंतु जी और दीपिका और गौरव मार साथ नहीं होते तो मुझे शायद ही मुझे लगता है कि ये हम नहीं कर पाते, इस संभव नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी, पूछे, कोई भी पूछ लीजिए जी। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न शिल्पा जी के लिए है, या हिंदी से थोड़ा प्रभावित हो गई हूँ। सो कैसा रहा आपका अनुभव डबिंग करते हुए, जब आपने यू डिडंट गो ऑन स्क्रीन एंड यू केम टू द स्टेशन फॉर डबिंग, कैसा था आपका अनुभव, आपको कैसा लगा करके? आप यकीन नहीं मानेंगी, जब मुझे स्क्रिप्ट मिला तो मैं थोड़ी सी डर गई, क्योंकि काला जी ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना। पृष्ठ संख्या कुछ ऐसे ऐसे, बट इसे मैंने एक चैलेंज की तरह लिया, और ऑनेस्टली कहा जाए तो मुझे लगा नहीं कि मैं इसे पूरी तरह से निभा पाऊँगी, क्योंकि क्या है, नॉर्मली जब आप किसी फिल्म में काम करते हैं, एक किरदार दिया जाता है आपको, देन यू टेक योर पेंट ब्रश एंड यू कलर इट, यू नो, एंड यू ब्रिंग इट टू लाइफ। यहाँ पे ये जो किरदार दिया गया मुझे वो ऑलरेडी आइकॉनिक किरदार है, तो द ओनस वॉज जस्ट टू मच, द बेंचमार्क वॉज वेरी हाई, और ऐसे ऐसे कमाल के कलाकार जिनके वॉइस आई थिंक फॉरगेट वॉइस, देयर टैलेंट इज़ यू नो अनसरपासेबल, एंड मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और पहले दिन पे आप यकीन नहीं मानोगे, पूछ लीजिए हमारे डायरेक्टर साहब से, मैंने सीन पढ़ा और मैंने कहा मुझसे नहीं होगा ये, आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पे डबिंग थिएटर आई हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाई, और मैं उठ गई। तो उन्होंने बोला, उनको फिर 5 मिनट लगा मुझे कन्विंस करने के लिए, और क्या है, डर इस बात का नहीं था कि मैं ठीक करूँगी कि नहीं, डर इस बात का था कि मैं, आई फील देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर मीडियोक्रिटी, और अगर मैं करूँगी तो मैं सबसे बेहतरीन करना चाहती हूँ, यू नो, काम। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई डोंट हैव अ कमांड ऑन द हिंदी लैंग्वेज, और ये बहुत ही मतलब क्लिष्ट हिंदी है। सो तो फिर मैंने इसे चैलेंज की तरह लिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पहला सीन हम लोगों ने शूट किया, आई मीन सॉरी रिकॉर्ड किया, देखिए इस फॉर अस इट्स सो लाइक यू नो इट्स सो एक्चुअली मेरा प्रश्न ये भी था कि आप एक शूटिंग के लिए जब जाते हैं तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है टू फेस द कैमरा, हियर यू आर नॉट फेसिंग द कैमरा, हियर इट वाज मोर डिफिकल्ट, एंड या सो So for you, आप लोगों को लगता होगा कि हम perform नहीं कर रहे थे। You don't have to do the back end preparations and you just have to go and speak. No, it is more difficult. नहीं, क्योंकि half the job was already done, ना? If you're doing a movie, you've already got an action to which you're putting in your reaction in the dubbing theatre. So the work is far lesser for us. But when I heard you for the first time, I was like, wow. And Thank you. It was really, I thought nobody could do it better than you. I mean, I had not seen you, I just heard you, and it was amazing. I want to cry now. तो जो पहला सीन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया,
डबिंग थिएटर में वॉज द जो मैं प्रण लेती हूँ चीरहरण वाला सीन जो था, और यकीन नहीं मानेंगी आप और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मैंने पढ़ा उस सीन को और सुमो को कहा कि लेट्स जस्ट गो विथ इट, इन्होंने एक्शन कहा, आई डिड इट इन वन टेक। और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं इस रोल को डब कर रही थी देयर वॉज समथिंग विद इन मी दैट केम अलाइव, एंड दैट इज़ समथिंग जो आप कंट्राइव नहीं कर सकते। तो वो जो पावर था, दैट इंडिग्नेशन, दैट इंसल्ट, दैट पेन दैट शी वेंट थ्रू एज अ वुमन, दैट आई डिडंट इवन नीड टू एनैक्ट, इट वॉज जस्ट, इट जस्ट केम आउट फ्रॉम विद इन, एंड यू नो माई स्टमक वॉज चर्निंग वेन आई वॉज डूइंग दैट सीन के वॉट शी मस्ट हैव गॉन थ्रू, सो दैट दैट थिंग जस्ट केम आउट एंड आई एक्चुअली बर्स्ट आउट क्राइंग इन द डबिंग थिएटर आफ्टर आफ्टर डबिंग इट। और फिर मुझे रोकना पड़ा अपने आप को, और फिर पता नहीं मैं शायद बह गई थी उस मोमेंट में, उस इमोशन में, एंड लाइक यू राइटली सेड इट वॉज अ वेरी वेरी, इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट रोल्स आई हैव एवर प्लेड इन माई लाइफ, एंड आई डोंट नो, एंड आई थिंक द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, एंड उसका उसका पूरा पूरा श्रेय हमारे डायरेक्टर साहब को जाना चाहिए, और काला जी जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। काला जी खड़े हो जाओ, काला जी खड़े हो जाओ, बेटा एक्सरसाइज करवा रहे हैं हम आपको, काला जी आप इधर आओ, काला जी इधर आओ, एंड गौरव हु वाज कन्विंस्ड दैट आई शुड डू दिस रोल, सो थैंक यू वेरी मच। देयर इज वन इंसिडेंट आई वुड लाइक टू यू नो मेंशन हियर, हाउ डेडिकेटेड दिस वुमन इज हु सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। हम लोग एक सीन कर रहे थे, एक सीन था जहाँ इट वॉज अ रोमांटिक सीन बिटवीन भीम एंड द्रौपदी, एंड भीम बीइंग नॉट वेरी रोमांटिक, उनको पता नहीं है रोमांस कैसे करना है, द्रौपदी को वो उठा के एक पॉन्ड में डाल देते हैं और बोलते हैं चलो जल क्रीड़ा करें, और उनका मुंह डुबाने लगते हैं, सो लाइक उनका भोलापन। नाउ व्हेन वी वर रिकॉर्डिंग दिस सीन विद शिल्पा, और हम लोगों ने, मैंने शिल्पा को एक्सप्लेन किया कि शिल्पा आप ये डब डायलॉग बोलेंगी तो आधे खा खा के बोलिएगा, क्योंकि वो आप पानी में डुबकी लगा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, डुबकी लगा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो वो इफेक्ट आने के लिए। सो शी रेड इट वंस और ट्वाइस, उसके बाद बोला कि शुमो होगा नहीं ऐसे, मैंने कहा फिर कि पानी लेके आओ, एंड आई एम नॉट किडिंग, हम डबिंग थिएटर में एक बोल में पानी लेके आए, इन्होंने अपना मुंह डुबा डुबा के पानी में वो डायलॉग बोला, एंड दैट्स हाउ जब आप लोग सुनते हैं उसका इफेक्ट आपको लगता है कि कितना इफेक्टिव है ये डायलॉग, वो थिएटर ऑफ माइंड जो गौरव कह रहे थे कि सामने आपका चित्र आ जाता है, वो इसीलिए आता है बिकॉज ये एक्टर्स उतनी मेहनत उस माइक्रोफोन के पीछे करते हैं, इन ईच ऑफ देम हैव अ स्टोरी, लाइक अगर मैं बैठने जाऊँ मैं रात भर बता सकता हूँ कि सबके साथ मेरा डबिंग एक्सपीरियंस और वो मोमेंट्स कैसे थे, कितनी मेहनत करके ये लोग एक एक डायलॉग को डिलीवर करते हैं, कितनी मीनिंग से डिलीवर करते हैं। जी जी, कोई और क्वेश्चन हो? नो, यू नो आई थिंक शिल्पा एम्बॉडीड ब्लड स्वेट एंड टीयर्स लिटरली, या आई मीन द विद यू नो एवरीथिंग दैट शी वेंट थ्रू, she had a back pain the other day, and you know despite that coming onto the studios, sweat, the bad throat, tears, because you know after that scene that she recorded, the first scene, literally for 10 minutes she was trembling, the lights would be switched off, I don't know how she read the script, but she wanted to get into the mood. So then you went to acting superstar and again dubbing, kaisa experience raha aapka? Well actually मैंने डबिंग से पहले रेडियो प्लेस किए थे, सो आई स्टार्टेड विद रेडियो प्लेस, मैं शायद 16 या 17 साल का था, और मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार तू चलेगा एक रेडियो प्ले करने, थोड़ी आवाज़ वावाज कर लेना, एक आध घंटे का काम है और 150-200 रुपये मिल जाएंगे। तो मुझे उस ज़माने में 500 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी, मैं कहा 150-200 रुपये 2 घंटे में, ये तो कमाल है। फिर वहाँ से जादू शुरू हुआ, मुझे याद है रेडियो एंड टेलीविजन सेंटर RTVC, वहाँ पे एक रूपा जी हुआ करती थी, रूपा सांगले जी, आई डोंट नो वेयर शी इज राइट नाउ, बट शी वाज अ वेटरन एट द टाइम, और उनके अंडर मैंने थोड़ा रेडियो शुरू किया। फिर रेडियो से मुझे अंग्रेज़ी भी बोल लेता था, हिंदी भी बोल लेता था, मुझे दोनों में काम मिलने लग गया। फिर स्पॉट्स जो
एक पहला स्पॉट किया मैंने, सीधा 5,000 रुपए का चेक आ गया हाथ में। तो मैंने कहा एडवर्टाइजिंग बड़ी अच्छी चीज है जो रेडियो प्लेस में 150 रुपए 200 रुपए मिलते थे। एंड देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड डूइंग डबिंग, देन आई बिकेम अ प्रॉपर डबिंग आर्टिस्ट। तो बहुत सारी अंग्रेजी फिल्में हैं आपके जुरासिक पार्क से लेके, बेब से लेके, द रॉक से लेके, स्टार वॉर्स ट्रिलॉजी से लेके, बहुत सारी फिल्मों को मैंने हिंदी में डब किया और बहुत सारे हिंदी प्रोग्राम्स हैं जिन्हें मैं अंग्रेजी में डब किया करता था। सिद्धार्थ काक जी का एक प्रोग्राम हुआ करता था सुरभि, तो उसे मैं अंग्रेजी में डब किया करता था। और या थ्रू आउट कॉलेज बहुत सारे अंग्रेजी शोज थे। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर शो कॉल्ड बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, फिर एक शो हुआ करता था सेंटा बाबरा, यंग एंड द रेस्टलेस, बहुत सारे थे ऐसे शोज। बहुत सारे ऐसे शोज मैंने डबिंग किए, तो आधा समय कॉलेज और आधा समय डबिंग स्टूडियो में। तो ये मेरे लिए एक रीडिस्कवरी था और बहुत बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं रेडियो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस आदमी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं रेगुलरली इनका शो सुनता हूँ और इनको बहुत फॉलो करता हूँ, बिकॉज समबड़ी लाइक हिम पर्सनैलिटी, जो मैजिक ये करते हैं रेडियो पे, इट्स अनदर मैजिक ऑल टुगेदर। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ रेडियो एंड मुझे बहुत मज़ा आया ये करते वक्त। और जैसे शिल्पा कह रही थी, हमारे बच्चे लगभग एक ही उम्र के हैं और मैं भी चाह रहा था कि मेरे बच्चों तक उनके कानों में ये सारी बातें पहुँचें। कहीं ना कहीं हम बहुत कम क्रेडिट देते हैं रामानंद सागर जी को और बी आर चोपड़ा साहब को, क्योंकि जितनी भी महाभारत और रामायण हमें मालूम है वो उनके वजह से मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, यू नो आई थिंक उसी तरह इस शो को भी श्रेय देना चाहिए। मीडिया से एक दो क्वेश्चन लेंगे हम लोग, वक्त बहुत कम है हमारे पास। सर सोनल जी से हाय, हम दो महाकाव्यों की बात जो है लगातार करते जा रहे हैं। महाभारत डेफिनेटली जो आपका शो है वो तो सक्सेसफुल हुआ है, साथ साथ हम रामायण की भी बात कर रहे हैं। हाय, रामायण की भी लगातार बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में सर जो जजमेंट आना था वो टाल दिया गया, उस पर रिएक्शन सर आप लोगों का अगर रिएक्शन मिल जाए सर। एक्चुअली हम मैं सोच रहा था कि यहाँ सिर्फ महाभारत के बारे में बात की जाए, इस रेडियो शो के बारे में बात की जाए। एक मिनट जी सर, सर रिएक्शन क्यों दें पिछला, हाँ जी क्या क्यों है, लास्ट क्वेश्चन क्या था, एंड क्वेश्चन क्या था सर, ये जो सर एंड क्वेश्चन क्या था, एंड क्वेश्चन यही था सर, रिएक्शन चाहिए था सर, जो ये टाल दिया गया है फिलहाल जजमेंट टाल दिया गया उस पर सर आपका रिएक्शन जी। जो मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है फिलहाल, और जो मामला अभी धर्म कर्म की चार दीवारी से बाहर निकल कर राजनीति के मर्यादा के अंदर शामिल हो चुका है, उसके मामले में, उस मामले में मुझे या आपको किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत ही नाजुक संवेदनशील मामला है और इसमें जो है बहुत कदम फूंक फूंक कर रखने की आवश्यकता है। और ये एक तरफ जनमानस से जुड़ा हुआ मामला अवश्य है, लेकिन इतना ज़्यादा इसको उलझा दिया गया है कि अब इसका फैसला हमने चाहा था कि लोगों की मानसिकता या लोग आपस में मिलकर इन बातों का फैसला कर लें कोर्ट की चार दीवारी के बाहर, लेकिन कोर्ट की चार दीवारी से बाहर जब नहीं हो सका, अब कोर्ट के अंदर, वो भी हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो उस मामले पे अब हम लोग ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करें तो बेहतर है, सिर्फ इंतज़ार करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। एक लास्ट क्वेश्चन मीडिया की ओर से, जो भी महाभारत जो रेडियो का प्ले है उसके बारे में अगर कुछ करना चाहें तो उसके सिवाय प्लीज़ मत कुछ करना। मेरा सवाल शिल्पा और शिल्पा जी और शत्रु जी और विवेक जी से है, ये सवाल शान से जुड़ा हुआ है। आप सभी कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट में जाते हैं, कितना गलत लगता है जिस तरह से शान जी के साथ जो चीज़ें हुई, कितनी अनफॉर्चुनेट हैं। और रिसेंटली वो शान जी एक गुवाहाटी में लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे और अलग भाषा में गाना गा रहे थे, लोगों ने उनका विरोध किया और उन पर पेपर बॉल थ्रो किया, ये कितना गलत लगता है, आप तीनों से सवाल है। एक्चुअली मेरे, मुझे भी खबर नहीं है, अच्छा किसी को भी खबर नहीं भाई यहाँ पे, एज अ सेलिब्रिटी कितना ये लाइव कॉन्सर्ट की बात करते हैं, खबर मालूम होती तो जरूर रिएक्ट करते हैं, इनको खबर ही नहीं मालूम है, मालूम कुछ हद तक मालूम तो है, लेकिन सवाल किससे है, तीनों से, शत्रु जी से, शिल्पा जी से, जो जवाब दे सके मधुर भाषा में, अगर शिल्पा जी जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन खबर आप जानते भैया, हम तो खैर, मेरा तो नाम अब्दुल है, मेरा सबकी खबर रखता हूं। मैं तो सब क्योंकि बाकी किसी को नहीं मालूम है। नहीं नहीं, ये आपने जो कहा है, जो कुछ बातें हुई थी वहाँ पे,
और वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों की बराबर की अहमियत है और होनी चाहिए। बिल्कुल। मातृभाषा एक तरफ आपको संस्कार देती है तो राष्ट्रभाषा आपको व्यवहार देती है और विदेशी भाषा आपको व्यापार देती है। तो इन तीनों का समन्वय बहुत आवश्यक है और इसलिए अगर कहीं पे हमारे किसी कलाकार ने अगर गाने की कोशिश की या किसी भी भाषा में अपनी प्रांतीय भाषा में अपनी मातृभाषा में तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने विरोध किया उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर उसके पीछे कुछ अन्य कारण हो तो उस पर मैं रोशनी इस वक्त नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सारी भाषाएं चाहे मातृभाषा हो राष्ट्रभाषा हो वो हमारी भाषाएं और अब सब उससे प्यार करते हैं। माँ सबकी अच्छी होती हैं लेकिन अपनी माँ से बढ़ के कोई नहीं हो सकती, इसलिए अगर वो अपनी मातृभाषा में अपनी भाषा में अगर गाना गा रहे थे या गाने की कोशिश की उन्होंने तो उसकी मैं समझता हूँ प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। धन्यवाद। विवेक जी से सवाल है। विवेक जी पहले जैसे अभी आपने रेडियो पे लोगों को अपनी आवाज़ से बस एंटरटेन किया है और पहले आपने वेब सीरीज भी बहुत सारी की हैं, इनसाइड एज की बात कर रहा हूँ मैं, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी बातें हुई हैं, काफ़ी आपके कैरेक्टर को सराहा गया है और सुनने में आया कि इनसाइड एज एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है, क्या क्या तैयारी है और किस तरह से कांग्रेस किस तरह से अप्रिशिएशन मिल रहा है लोगों से और क्या कहना चाहेंगे? यार सबसे पहले तो धन्यवाद। हाँ बहुत खुशी हुई ये जानकर क्योंकि एक हिंदुस्तानी वेब सीरीज़ को इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईएस्ट जो अवार्ड है वो एमी है और उसके लिए एक नॉमिनेशन जीतना ये पहली बार हुआ है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई सभी को। पहले तो हमें लगा कि कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ में क्योंकि अमेज़ॉन की ग्लोबल जितनी कंटेंट है उन सब की नॉमिनेशंस में से एकलौता ये नॉमिनेशन रहा और बहुत कड़ा कंपटीशन रहा, उसके बावजूद हम आगे हैं, फॉर रनिंग है और पूरी तैयारी हो रही है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैंने भी एक निजी तौर पर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मुझे एक समय में क्योंकि शत्रु अंकल अभी भाषा की बात कर रहे थे तो एक समय में मुझे दक्षिण की चारों भाषाओं में एक एक फिल्म करनी थी, तो मेरी अब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आखिरी फिल्म मलयालम की जो मुझे लगता है सबसे कठिन भाषा है वो चल रही है अभी, तो मैं उसकी डेट्स एडजस्ट करने की कोशिश में हूँ, मोहनलाल सर हैं उसमें तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया है ताकि मैं कुछ समय निकाल कर इस अवार्ड सेरेमनी को अटेंड कर पाऊँ हमारे दोस्तों के साथ, फरहान, रितेश, ऋचा चड्ढा, करण अंशुमन जो क्रिएटर ऑफ द शो हैं। और मज़ा इस बात का है कि जिस समय हमें ये खुशखबरी मिली हम सब सीजन टू इनसाइड एज सीजन टू शूट करने के लिए विदेश गए हुए थे, सब वहीं साथ में थे और एक साथ में ये खबर आई और हम सब निकल चले, रात भर खूब पार्टी की, खूब जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया उसे। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया और महाभारत की सफलता के लिए एक केक कटिंग है और दिलीप साहब का बर्थडे भी है इसलिए मैं चाहूँगा कि प्लीज़ अपने स्थान पर आप लोग प्लीज़ केक खा के जाइएगा, हाई टी है वो भी आप प्लीज़ लेके जाइएगा लेकिन अपने स्थान पर आप लोग। अरे फोटोज, अच्छा पहले फोटोज हो जाए, अरे कास्ट का फोटो, ओके एक फोटो लेते हैं।
Vivek ji, yeah. Thank you. Thank you.